हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी अगर ये काला कानून नहीं हटा तो। हम लोग अगर जेल जाएंगे तो घर परिवार को कौन खिलाएगा। अमित शाह जी जो है कि इसका कोई नियम लगाया नहीं, कंपनी अपनी गाड़ी खुद से चलाएगी। पब्लिक जो है कि हम लोग को उल्टा मारती है, हम लोग की गलती नहीं रहती है तो भी पब्लिक हम लोग को मारती है और हम लोग को सहना पड़ता है। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए सड़क कानून के विरोध में ट्रक, डंपर, कैंटर, टैंकर और प्राइवेट बस चालक सब लामबंद हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवरों के इस तरह के बयान काफी वायरल भी हो रहे हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश में लागू हुए इन नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ अब ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ ट्रक ड्राइवर भी हड़ताल पर चले गए हैं। इंडियन जुडिशियल कोर 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। ये सभी नए कानून में हिट एंड रन कानून में सख्त नियम लागू किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इनके चक्का जाम की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में गैस, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया। इसके बाद से ही देश भर में हड़ताल शुरू हो गई। ट्रक ड्राइवरों ट्रांसपोर्टर्स ने जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेस वे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट भी किया। वहीं गुजरात में ट्रक चालकों ने राजकोट अहमदाबाद हाईवे बंद कराने की कोशिश की जिससे लंबा जाम लग गया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के कांच तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। यहाँ कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको यहाँ पर हम एक बात जरूर ये बता दें कि इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक जाएगी जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। दरअसल भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल की वजह से इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा है कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है, लेकिन इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं, इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक, डंपर या वाहन चालक एक्सीडेंट में किसी को कुचलकर भागने की कोशिश करता है तो उसे 10 साल जेल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले के कानून में इस तरह के मामलों में आरोपी ड्राइवर को कुछ दिनों के बाद जमानत मिल जाती थी और वो बाहर आ जाता था या फिर 2 साल की सजा भुगतनी पड़ती थी, लेकिन अब कड़ा कानून बनाया गया है जिसका लगातार विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।